हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम, वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधांक नियम, तो गांधांक नियम को पढ़ने से पहले हम छोटा सा बेसिक पहले क्लियर करते हैं कि अगर आपके पास तीन के ऊपर ऐसे चार लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो तीन है वो तो आपका क्या होता है, आधार होता है, या जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और जो ऊपर चार लिखा हुआ है इसको बोला जाता है घात या पावर। समझ में आ गया, चार यहां पे क्या है, पावर है। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करने से पहले इन नियम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है, ए एम ए की घात एम इंटू में ए की घात एन दिया हो तो हम उसको प्लस में कर देते हैं क्योंकि बेस दोनों का क्या है, समान है। तो a की पावर में m प्लस n आ जाएगा। दूसरा नियम क्या है, a की पावर x बाय a की पावर y हो तो a की पावर x में से माइनस कर दो नीचे वाली जो पावर है क्योंकि बेस समान है। a की पावर माइनस x दिया हो तो उसका मतलब होता है 1 अपॉन a की पावर x, पॉजिटिव में चली जाती है, उसको इनवर्स कर देते हैं। इसी के ऊपर ये वाला बेस है हमारा, a अपॉन b की पावर माइनस एक्स हो तो इसको आप उल्टा कर दो, b बाय a कर दो और उसकी पावर में प्लस x कर दो। उसके बाद a की पावर m के ऊपर घात n दिया हुआ है ब्रैकेट लगाकर, तो इसका मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमने घातों को, a की पावर m इंटू n। a बाय b की पावर m है तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। उसके बाद a क्रॉस b की पावर m है, इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू b की पावर m। उसके बाद लास्ट आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर x इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इससे आपको ये समझ में आता है कि किसी की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। जैसे कि 8 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, 3 की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, 2 की पावर माइनस 3 ब्रैकेट लगा के क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो ये आपको इसके जैसा दिख रहा है, ये रहा a की पावर m ब्रैकेट लगा के n लिखा था तो मल्टीप्लाई हो जाती है घाते, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर माइनस 3 इंटू में 15। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 की पावर 15 या 45, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब अगर इसको भी आगे हमने सॉल्व करना हो तो ये आपको ऐसा दिख रहा है 2 की पावर माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 की पावर 45। आपका आंसर या तो ये करेक्ट होगा या आपका आंसर ये करेक्ट होगा। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको ये भी कैसा दिख रहा है, इसी रूल के जैसा दिख रहा है, घात की घात लगाई हुई है। देखो 3 के पावर 5 दिया हुआ है, ब्रैकेट लगाया उसकी पावर 2 दी हुई है, ब्रैकेट लगाया उसकी पावर 3 दी हुई है, तो ये भी आपका इसी की जैसा है। यहाँ पे भी घाते क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, 3 की पावर 5 गुना 10, 10 या 30, 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 30 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये भी क्या दिया हुआ है, घाते जो हैं आगे के आगे दे रखी हैं, जैसे 8 की घात 3 बटा 2, उसकी घात 12 बटा 5, उसकी घात 20 बटा 3, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 8 की घात 3 बटा 2 है, इसको मल्टीप्लाई में लिखो 12 बटा 5 मल्टीप्लाई 20 बटा 3, तो यहाँ पे देखो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 2 छीका 12, तो यहाँ पे 6 चौका 24, इसका क्या आएगा, 8 की पावर 24, इसका क्या होगा राइट आंसर। या इसमें आप क्या कर सकते हैं, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की क्यूब 8 होती है, पीछे वाली वीडियो में हमने गन किया था, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दो, उसके ऊपर क्या है 24 है, ये भी आपका क्या होगा राइट आंसर। और इसको हम खोल भी सकते हैं, आपको पता है ये मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आएगा, 24 दिया 72, तो 72 भी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करते ही उनका आंसर हो जाएगा गलत। कैसे? आपको 3 की पावर में -2 जो दिया हुआ है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है और उसकी घात 3 दी हुई है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि घात जो है वो ब्रैकेट में दी हुई है। तो यहाँ पे पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे हम। ऊपर वाला सॉल्व कैसे, 3 की पावर 2 की घात 3 कितनी होती है, 8 होती है, लेकिन -1 दिया हुआ है तो -1 का क्यूब माइनस ही रहेगा। -1 का अगर स्केयर करेंगे तो +1 आता है, अगर विषम संख्या हो तो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ जाएगी, -8। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। या आपको क्या मिल सकता है, आपको पता है कि ये इसके जैसा दिख रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/3 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, इन दोनों में से कोई आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपने क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पे भी 5/3 है और यहाँ पे 3/5 है। क्या हम इसको 5/3 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा नियम लगेगा, ये वाला, a/b की पावर अगर -x हो तो अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तो प्लस का x हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/5 है, अगर मैं इसको 5/3 कर दूंगा तो इसकी जो घात होगी वो प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पे 7 लिख दो प्लस का। अब इंटू में आपको पता ही कितना दिया हुआ है, 5/3 का स्क्वायर और इंटू में 5/3 का माइनस का 3 दिया हुआ। अब आपको पता है कि तीनों में बेस जो है वो हमारा इक्वल आ गया 5/3, तो यहाँ पे सिर्फ 5/3 लिखेंगे। और आपको यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, आपको पता है am × an, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं सभी घातों को। तो सभी घातों को प्लस में लिख दो, यहाँ पे 7+2, लेकिन यहाँ पे -3 आ रहा है तो यहाँ पे -3 ही लिखना है। अब आपको पता है 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 5/3 की पावर 6। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। या इससे ज्यादा क्या हो सकता है, 5 की पावर 6 को सॉल्व किया होगा कितना आएगा आंसर, और 3 की पावर 6 को सॉल्व किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं आता, आपको ऐसा ही आंसर वहां पे देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, साइड में मैंने लिखा हुआ है कि 0 की पावर -3 और 0 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे ये आपको किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे रूल क्या लगेगा, 1/a की पावर x वाला, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 0 की पावर 3 क्या होगी, 0 ही तो होगी। अब आपको पता है 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो इसकी वैल्यू तो होगी इनफाइनाइट। लेकिन मुझे बताओ 0 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 0 की पावर 4 की वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि ये माइनस में थोड़ी ही है जो हम 1/1 में लिखेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -1/7 की पावर x/2 -5 = 1 दिया हुआ है, तो x पूछा है कितना होगा। तो यहाँ पे कौन सी रूल लगेगा, यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा कि अगर किसी की पावर x = 1 आया आंसर उसका, तो x हमेशा क्या होगा, 0 होगा। किसी की पावर अगर कुछ दिया हो और वो 1 के इक्वल आ जाए तो वो वाली जो घात होती है वो हमेशा 0 के इक्वल होगी। ये घात की वैल्यू की गई, ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू 0 होगी, घात है ना यहाँ पे x, तो यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है वो 0 के इक्वल होगा। तो x/2 - 5 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x/2 = 5 आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 5 × 10, x की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको देखना हो कि ये 1 आया कैसे, तो यहाँ पे आपको पता है x की वैल्यू 10 आ चुकी है, तो इसमें पुट करके देखो, -1/7, यहाँ पे 10 पुट करोगे, 10/2 कितने होते हैं, 5, तो 5 - 5 कितना होता है मुझे बताओ, 0 होता है ना। तो किसी की पावर जो 0 होती है हमेशा 1 होती है, मैंने जब वो बताया तो आपको एग्जाम्पल भी दिया था, चाहे कोई भी हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x³ = 125, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो अब आपको पता है कि हम 125 को क्या लिख सकते हैं, क्या 5 की क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब अगर आपको यहाँ पे घात समान हो तो उसका आधार समान होता है, अगर इसकी पावर समान हो इक्वल हो तो उसमें जो बेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। ये आपको रूल भी ध्यान में रखना है, अगर आपके यहाँ पे बेस इक्वल होंगे तो उसकी जो घात है वो इक्वल होगी, और अगर घात इक्वल है तो उसका बेस क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको आपको सरलतम रूप में बताना है कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको देखो 2 की पावर में ऐसे दिए हुए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर देना आपने, मल्टीप्लाई तब होता है जब ब्रैकेट में घात की घात दी होती है तब मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना हमने, इसमें हमने ऊपर से नीचे तक इसको सॉल्व करना है। कैसे, 2 की स्केयर है तो कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 के ऊपर कितना आ गया, 4 आ गया। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, 2 की पावर 16 इसका क्या होगा, सरलतम रूप होगा। अब सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 का स्केयर 4, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 की पावर स्केयर के ऊपर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि बीच में ब्रैकेट आ गया, तो 4 गुना कितने हो जाएंगे, 8, तो 2 की पावर 8 इसका क्या होगा, सरलतम रूप होगा। अब अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करो, 2 की स्केयर कितनी होगी, 4 होगी, तो 2 की 4 के ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 की 4 कितनी होती है, 16 होती है, तो 16 का क्या आ जाएगा, ये स्केयर आ जाएगा, तो ये इसका सरलतम रूप है, ये इसका सरलतम रूप है, और ये इसका सरलतम रूप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 256 की पावर 0.16 × 16 की पावर 0.18 का मान क्या होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करें, आपको पता है कि मल्टीप्लाई दिया हुआ है, अगर हम इसके बेस को इक्वल कर लें तो इसकी घात को हम जोड़ सकते हैं बिल्कुल, तो आपको पता है 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का स्केयर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 16 का स्केयर, और आपको पता है 0.16 है तो 16/100 लिख सकते हैं इसको, पॉइंट हटा दिया, इंटू में 16 की पावर क्या है, 0.18, इसको 18/100 लिख लो। अब आपको पता है कि 2 × 8 = 16 और 50 × 100 होते हैं, 2 × 18 = 2 = 50 आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे स्केयर है, इसको बाहर भेज दो घात को, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 की पावर 8 × 16 = 16/50 आ गया, और इंटू में 16 की पावर 9/50, क्लियर। अब आपको पता है कि बेस समान हो गया तो घाते क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे क्या कर दो आप, 16 की पावर में 16/50 + 9/50 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे 50 इसका एलसीएम आ जाएगा, अब यहाँ पे कितना है, 16 है, यहाँ पे 9 है, 16 और 9 कितने होते हैं, 25, तो 25/50 आ जाएगा, 25 × 25 = 50 1/2, तो मुझे बताओ 16 की 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 16 का √, तो 16 का कितना होता है, 4, तो 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको ऐसा पैटर्न दिया हुआ है और आपको k की वैल्यू पूछी है, तो इसमें आपने क्या करना है, जहां पे कोई भी पावर दी गई हो और वहां पे छोटी जो पावर होगी उसके अकॉर्डिंग दूसरे को सेट करना होगा। कैसे, जैसे कि वहां पे 2 की पावर 99 दिया हुआ है और ये पावर क्या है, बड़ी है, तो आप सारे को क्या कन्वर्ट कर दो, 2 की पावर 99 में कन्वर्ट कर दो। कैसे, 2 की पावर 103 को खोलो, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या इसको 2 की पावर 4 × 2 की पावर 99 लिख सकते हैं क्या, आपको पता है ये अगर बेस समान है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो 99 + 4 कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा, क्लियर। अब माइनस में 4 × 2 की पावर 1 बाहर निकाल दो और 2 की पावर यहाँ पे क्या लिख दो, 99 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में 2 की पावर 1 बाहर निकाल दी, 2 की पावर 99 लिख सकते हैं। यहां तक हो गया सभी का, ये मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, आप में भी 2 की पावर 99 है, 2 की पावर 99, 2 की पावर 99, तीनों में से कॉमन निकाल लो 2 की पावर 99, अंदर क्या बचा मुझे बताओ, 2 की पावर 4 − 4 × कितने हो गए, 8, प्लस 2 की पावर 1 ही होता है, यहां तक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 9, 2 की 4 कितने होते हैं, 16 − 8 + 2 ये कितना आएगा, 16 और 2 = 18, 18 में से 8 गया 10, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। अब आप क्या करो, राइट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड क्या है,
2k प्लस 1 की इनटू में 2 की पावर 99, तो यहां पे भी 2 की पावर 99 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसीलिए हमने ये किया था। समझ में आया? अब आपको पता है कि 2k प्लस 1 आपका 10k कुल आ गया, तो 2k की वैल्यू 9 आ गई और k की वैल्यू आ जाएगी 9/2, और यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है √5 प्लस क्यूब रूट एक्स इक्वल टू 3 हो तो एक्स की वैल्यू बतानी है। मुझे बताओ अगर इस साइड स्केयर रूट लगा हुआ है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, वो 3 का स्केयर हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या ले सकते हैं, 5 प्लस क्यूब रूट एक्स इक्वल टू 3 का स्केयर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 को इस साइड में ले जाओ तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब रूट इक्वल में 4 आ जाएगा, 9 - 5 4 होते हैं। अब आपको पता है कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3 आपको 4 दे रखा है। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करो, यहां पे इसकी पावर में 3 कर दो दोनों साइड। आप क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/3 की पावर आप 3 कर दी और इस साइड भी 3 कर दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारे ये काम का है कैसे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है कि पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे अगर 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, x की 1/3 इनटू 3 करोगे तो आपको पता है 3 से 3 कट जाना है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 4 की क्यूब कितनी होती है, 64, तो यहाँ पे क्या आएगा, 64, तो x की वैल्यू आ चुकी है 64, यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको कुछ पैटर्न दिया गया है और इसकी वैल्यू पूछी है और ये तीनों मल्टीप्लाई में दिए गए हैं। अब आपको पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x की पावर a है और x की पावर b है, हमने नियम पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसको देखो वहां पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर a माइनस बी, इस वाली चीज को बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी पावर में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, क्लियर, मल्टीप्लाई। अब इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर b माइनस सी, आपको समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई x की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, c माइनस a, उसकी पावर c प्लस a आ जाएगा। अब इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यही है इसका मतलब। अब आपको पता है कि यहाँ पे घात की घात दी हुई है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज फिर आ चुकी है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसकी वैल्यू, x की पावर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू यहाँ पे x की पावर में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x की पावर में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इतना आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में है, बेस समान है, तो गाते क्या करती होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो x की पावर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको पता है ये प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस का प्लस का कट गया, माइनस का प्लस का कट गया। अब आपको पता है एक्स की पावर जीरो आ चुकी है और एक्स की पावर जीरो क्या होती है, वन होती है, किसी की पावर जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि एक्स की पावर ए इक्वल टू वाई, वाई की पावर बी इक्वल टू जेड और जेड की पावर सी इक्वल टू एक्स, तो ए बी सी क्या होगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है आप z को कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, y की पावर b लिख सकते हैं z को, और y को भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, तो आप z से ही स्टार्ट करें, क्योंकि आप x को कुछ नहीं लिख सकते, तो जिसको कुछ ना कुछ लिख सकते हैं वहीं से स्टार्ट करना है हमें, तो z की पावर c इज इक्वल टू x से आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन। आपको पता है z की जगह हम पुट कर सकते हैं y की पावर b, तो y की पावर b और ऊपर क्या आ गया, c इज इक्वल टू x, इसको सॉल्व करो मल्टीप्लाई हो जाएगा, घात y की पावर b c इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब आपको पता है y को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर a, तो y की जगह x की पावर a कर दो और ऊपर क्या है, b c है और इज इक्वल टू x है। अब दोबारा घात क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x की पावर में a b c इज इक्वल टू x आ गया या नहीं आया। अब आपको पता है कि बेस जो है वो समान है, तो गाते क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, यही आपका क्या है, आंसर है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 की पावर x इक्वल में 4 की पावर y इक्वल में 8 की पावर z, तो इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है।
इसको कैसे करेंगे, जब आपको इक्वल में आ जाए तो उसके इक्वल में कोई कांस्टेंट मान लो, के कांस्टेंट मान लिया हमने, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 की पावर x इक्वल में 4 की पावर y इक्वल में 8 की पावर z इक्वल में कोई के कांस्टेंट मान लिया। अब आपको ये पता है कि 2 चौका कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये चीज हमारे काम आएगी इसकी वैल्यू निकालने में। कैसे, आपको पता है कि 2 की पावर x इक्वल में क्या है, k, तो यहां पे लिखो 2 की पावर x इक्वल में k। अब इसको कैसे खोलना होता है, जैसे कि आप क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अगर x होता है तो आप क्या लिख देते हैं इसको, x का रूट। अब इसका मतलब क्या निकला है, x की पावर 1/2 ही तो है, तो मतलब जहां पे ये पावर होती है उस वाली में साइड में जाएगी तो 1 अपॉन में चली जाएगी, तो यहां पे 2 की पावर कुछ नहीं आएगी, k इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा सिंपल। तो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/x मल्टीप्लाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y दिया हुआ है तो वहां पे बस y हो जाएगा, तो k की पावर 1/y। अब 8 की पावर में z है तो यहाँ पे k की पावर 1/z हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई में है, बेस समान है, तो क्या हो जाएगी, वो जुड़ जाती है घातें, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y आ जाएगा, यही आएगा। और इस साइड में क्या है, k की पावर 1/z। अब आपको पता है कि आधार जो है वो समान है तो जो घाते हैं वो इक्वल होंगी, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y इक्वल 1/z। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इस वाली साइड में ले आओ, तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 की पावर 27, 3 की पावर 36, 5 की पावर 18 और 4 की पावर 9 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पावर के ऊपर ध्यान रखना है, आपको पता है कि जो घात है उसमें 9, 18, 36 और 27 है, जो कि 9 के पहाड़े में आ रहा है, तो आप इसको 9 से डिवाइड कर दो सभी को। कैसे, अब आपको पता है इसको 9 से डिवाइड करेंगे अगर इसकी पावर को, तो 9 होती है 27 होते हैं, 3 की पावर 36 को 9 से करेंगे, 9 चौका 36, उसके बाद 9 दुना 18 होते हैं और 9 एकम 9 होते हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब आपको पता है 2 की क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की 9 होती है 27, 27 किया 81, 81। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उसके बाद 4 एकम 4। अब आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 81 सबसे बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 की पावर 4 सबसे बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग 3 की पावर जो 36 है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 3 की पावर 36। समझ में आ गया, ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी, अगर सबसे छोटी पूछ ली जाए तो आपको पता है 4 है, 4 के अकॉर्डिंग 4 की पावर 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूट 2, क्यूब रूट 3 एंड 6 का 6th रूट और 5 का 5th रूट में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, तो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि 2 का रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, 3 के क्यूब रूट का मतलब क्या है, 3 की पावर 1/3, 6 के 6th रूट का मतलब क्या है, 6 की पावर 1/6 और 5 के 5th रूट का मतलब क्या है, 5 की पावर 1/5। अब आपको पता है कि चारों संख्याओं में से कोई भी एलसीएम नहीं आ सकता, इनके अगर पावर को ही देखना है हमने, तो आपको 5 है यहाँ पे, 6, 3, 2, लेकिन इन तीनों में से तो एलसीएम आ सकता है पावर का, आपको पता है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप क्या करें, पावर में 6 का मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तीनों में, तो यहाँ पे आपके पास ये सिंपल हो जाएगा। कैसे, 2 3 6 तो यहाँ पे 2 की पावर क्यूब बचेगा, 3 गुना 6 तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो 6 की पावर 1 आ जाएगी। अब आपको पता है तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 6 एकम 6। आपको पता लग गया कि जो 9 है सबसे बड़ा है, मतलब 3 का स्क्वायर सबसे बड़ा है, मतलब 3 की पावर जो क्यूब रूट है इन तीनों में सबसे बड़ी क्या है, 3 है, लेकिन हमारा आंसर नहीं आया, हमारी अभी तक ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो इन दोनों को हम अलग से करेंगे। तो 3 की पावर में दोबारा लिख लो आप 1/3 और यहाँ पे लिख लो 5 की पावर में 1/5, इन दोनों में से चेक करते हैं। अब आपको पता है इन दोनों में तो एलसीएम आ सकता है, कितना आएगा, 15 आएगा, तो 15 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी 15 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 15 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो 3 5 15, तो 3 की पावर 5 आएगी और 5 3 15, तो 5 की पावर 3 आएगी,
अब आपको पता है 3 की 5 कितना होता है, नहीं पता तो इसको कर लेते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 9 9 27 27 81 81 और 3 243 आ गया, और 5 की क्यूब आपको पता है 125 होता है, तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, 243 मतलब 3 की पावर 5 मतलब कि 3 का जो क्यूब है वो सबसे बड़ी संख्या है। लास्ट में आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं और बिल्कुल ही आसान है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है योज्य तत्समक, क्या मतलब होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 3 नंबर है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा वही नंबर वापस आ जाए, 3 ही आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 0 को ऐड कर दो तो 3 वापस मिल जाएगा आपको, बिल्कुल। तो आप बोलेंगे कि योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है। अगर आपके पास कोई भी नंबर ए है उसका योज्य तत्समक हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ताकि सेम का सेम नंबर मिल जाए। तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि आपको 2 का योज्य तत्समक बताओ, आप बोलेंगे 0, 4/5 का योज्य तत्समक बताओ, आप बोलेंगे 0 है, इतना आसान है। उसके बाद आ जाइए अगर गुणन तत्समक क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसका रूल क्या है कि किसी नंबर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा सेम का सेम नंबर आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 होते हैं, बिल्कुल। तो गुणन तत्समक हमारा क्या होता है, 1 होता है, किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम का सेम नंबर आएगा, तो गुणन तत्समक क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, 4/11 का गुणन तत्समक बताओ, आप बोलेंगे सर 1, 3 का 1 आपने बता ही दिया, इतना सिंपल है। उसके बाद आपके ये जो 2 हैं ये थोड़े से समझने वाले हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे क्या है, योज्य प्रतिलोम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एडिटिव इनवर्स, और इसका करने का तरीका क्या है कि मैं किसी नंबर में क्या ऐड करूं कि मुझे अपना योज्य तत्समक मिल जाए, योज्य तत्समक का मतलब 0 मिल जाए, इसमें मैं क्या ऐड करूं, तो आप बोलेंगे सर अगर यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे -2 कर दो, 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, अगर योज्य प्रतिलोम की बात करें, अगर हमारे पास a होगा तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसका माइनस कर देना है और आपके पास उसका योज्य तत्समक आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि 5 का हमें योज्य प्रतिलोम बताओ, तो 5 का क्या होगा, -5, तभी तो 0 आएगा। और अगर -7/13 आ जाए तो इसका क्या होगा, अगर आपका पहले माइनस है तो दूसरा क्या होगा, प्लस ले लो, हमने तो उल्टा ही तो करना है, तो सिंपली आपने उल्टा करना है बस, 7/13 ताकि वो 0 बन जाए ऐड होने के बाद, इतना सिंपल है। इसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गुणन प्रतिलोम मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसको करने का तरीका क्या है कि मैं किसी नंबर में किसका मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, मेरा गुणन तत्समक मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए। आप बोलेंगे सर आप 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, बिल्कुल यही करना है। तो मैं यहां पे ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 3 × 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -1 भी तो लिख सकते हैं, वो भी तो 1 ही होगा, इसका मतलब यही तो होता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर हम a के साथ मल्टीप्लाई करें उसका इनवर्स, तभी तो इसको इनवर्स बोलते हैं कि उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास क्या आ जाएगा, उसका गुणन तत्समक आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां पे आपको सोचने वाली बात यह है कि 7 का क्या होगा गुणन प्रतिलोम। आपको पता है कि 7 को अगर आप 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, या तो 1/7 उसके ऑप्शन होगा, या इसका ऑप्शन क्या होगा, 7 का -1, 7 इनवर्स, ये भी सेम चीज होती है, तो ये आपका हो गया। अगर आपके पास 3/2 का पूछ लिया जाए तो आप 3/2 को क्या लिखोगे, मुझे बताओ 3/2 का आप क्या लिखोगे ताकि 1 बन जाए, आप बोलेंगे सर इसका ऐसे करो आप 2/3 लिखो, तब आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा या नहीं आएगा। आप मुझे बताओ 2/3 का मतलब क्या है,
दो बटा तीन का यही मतलब नहीं है का 3/2 की पावर -1। हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर माइनस में पावर हो और अगर ऐसे दिया हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं और उसकी पावर में 1 लिख सकते हैं। तो इस चीज का मतलब क्या होगा, 3/2 -1 ही तो होगा, तो आपका 3/2 का प्रतिलोम क्या होगा, 3/2 का -1 इनवर्स। इतना सिंपल है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हम आते हैं 2/5 की पावर -10 के ऊपर। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अच्छे से, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। देखो 2/5 की पावर -10 है। अब इसका क्या करेंगे आपको पता है कि -10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या 5/2 की पावर 10 लिख सकते हैं क्या, अभी तो हमने समझाया था। अब आपको पता है कि अब इसका इनवर्स क्या होगा, अब इसका इनवर्स क्या होगा, 5/2 की पावर -10 वो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी, यही तो होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5/2 की पावर -10। नेक्स्ट आपका 10 की पावर -100 है। 10 की पावर में दिया हुआ है -100। मुझे बताओ अगर किसी की पावर माइनस में दी होती है तो क्या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 100 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, आपको 10 की पावर 100 का ही तो मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो एक आएगा, यही आएगा। और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को अगर आपने लिखना हो इसके अकॉर्डिंग तो आप क्या लिखेंगे, तो सिंपली आपको पता है कि 10 पावर -100 है, इसका इनवर्स क्या होगा, उसकी पावर प्लस कर दो तो 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 10 की पावर 100। इतना सिंपल है, समझ में आ गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। लास्ट हमारा टॉपिक क्या बचता है, आपको सामान्य रूप दिया होता है और आपसे मानक रूप पूछा होता है। आपको सामान्य रूप में वैल्यू दी होंगी और मानक रूप का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाली वैल्यू या 10 की पावर वाली, जहां पे 10 की पावर में वैल्यूज दी होती हैं। जैसे कि अब आपको पता है यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या है, इसका मानक रूप क्या होता है कि आपको एक नंबर लेना होता है, बाकियों को पॉइंट के बाद रखना होता है। बाकियों को कहां पे रखना है, पॉइंट के बाद। तो इसको कैसे लिखेंगे, आपको 5 के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, 5.46 × जो नंबर होते हैं उनको तो ऐसे ले लो, जो जीरो होते हैं उनको 10 की पावर में लिखना होता है। तो आपको पता है कि 10 की पावर में कितनी आएंगी, आपने पॉइंट कहां पे लगाया ये देखो मुझे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 नंबरों के पहले आपने पॉइंट लगाया है, तो यहां पे क्या आएगा, 10 की पावर 5 आएगा। इतना सिंपल है। दूसरा करेंगे आप, आपको पता है कि आपने यहां पे पॉइंट लगाना है, तो यहां पे तो लिख लो 8 पॉइंट लिख लिया, या 8 ही लिखोगे इसको, तो आगे तो पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं, तो 8 लिखोगे, 8 × 10 की पावर। अब आपको पता है पॉइंट आपने कहां पे लगाया, यहां पे 1, 2, 3, 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो आपको देखने से पता लग रहा है, 4 0 है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, ये तो इतना सिंपल है। अब यहां पे देखिए, यहां पे पॉइंट लगा हुआ है पहले, अब इसको कैसे करेंगे, हमने पॉइंट कहां पे लेके जाना है, 7 के बाद लेके जाना है पॉइंट। हमने जैसे किया था ना, एक जो नंबर है वो आगे होना चाहिए पॉइंट के और बाकी सब पीछे होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के आगे तो 0 है, तो 0 थोड़ी होगा मानक रूप में, हमने 7 को आगे लेके आना है, तो पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है आगे की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 पॉइंट। आपको पता है कि आगे तो 0 है, तो 7 पॉइंट के बाद 0 है, तो पॉइंट को हटा दो। अब इंटू में 10 की पावर कितनी लगेगी, अब आएगी माइनस में कितनी पावर आएगी, आपने इसको कितना शिफ्ट करना है, 1, 2, 3, 3 नंबर के बाद, तो यहाँ पे 10 - 3 आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे आपने पॉइंट को आपको पता है 2 के पास लेके जाना है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद शिफ्ट करना है 2 पॉइंट, क्योंकि 95 है, तो 2.95, और उसके बाद क्या आएगा, इनटू में 1, 2, 3, 4 शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर 4, और वो भी माइनस में। अब इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं, आपको ये समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, क्योंकि ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं क्या है। ट्रिक इसकी ये है, अगर तो आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, आपको पता है कि यहां पे पॉइंट होगा
इसको हमने यहां तक लेके आए, पीछे से यहां पे लेके आए ना पॉइंट, यहां पे तो एक आगे था, इसको तो उधर साइड लेके गए हैं, राइट साइड में शिफ्ट किया है पॉइंट को, यहां पे हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है पॉइंट को। तो लेफ्ट की स्पेलिंग लिखो आप एल ई एफ टी, ये आपका लेफ्ट होता है, और राइट की स्पेलिंग लिखो आर आई जी एच टी, ये आपका राइट होता है। दोनों में आपको पता लगेगा कि 10 की पावर प्लस में लिखनी है या माइनस में लिखनी है। कैसे पता लगा? आपको यहां पे एफ दिख रहा है, मुझे बताओ अगर इस चीज को अगर हटा दें आप, तो यहां पे मुझे प्लस वाला साइन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा है जो कि आपको यहां पे नहीं दिख रहा राइट में। तो जब भी आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करवाना है तो वहां पे 10 की पावर किस में आएगी? प्लस में आएगी। ट्रिक है ये। और जब भी आपने उसको राइट साइड में मूव करवाना है, देखो पॉइंट को आपने यहां तक लेके जाना है राइट साइड में, इस पॉइंट को भी यहां पे लेके गए 2 की राइट साइड में, तो वहां पे आपकी क्या आ जाएगा? यहां पे अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा या नहीं होगा? तो यहां पे माइनस आएगी पावर। ये ट्रिक है। और पॉइंट के बाद जितने आपने शिफ्ट किए हैं उसकी पावर उतनी आएगी घात। जैसे कि आपने यहां पे लेफ्ट साइड में कितना शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 शिफ्ट किए हैं तो 5 आ जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने बता दिया। यहां पे कितना शिफ्ट किया? 1 2 3 4 चार शिफ्ट किए, 4 आ गया। यहां पे कितना शिफ्ट किया? 1 2 3 तीन शिफ्ट किया। यहां पे कितना किया? 1 2 3 4 चार शिफ्ट किया, 4 आ गया। समझ में आ गया? इतना सिंपल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।